अखाड़ा में इस वक्त बड़ी खबर, जो किसान जो सड़क पर घमासान पर उतर आए हैं दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए, इन्होंने ठान ली है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर इस वक्त हंगामा चल रहा है। बैरिकेडिंग तोड़ने पर पुलिस ने आंसू गैस का भी प्रयोग किया है। चंबू बॉर्डर पर दिल्ली कूच के दौरान वहां पर पुलिस ने आंसू गैस का प्रयोग किया है, और वो भी ड्रोन के द्वारा, ड्रोन के माध्यम से आंसू गैस छोड़े गए हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो न्यूज 18 इंडिया के कैमरा पर कैद हैं। आप साफ देख सकते हैं किस तरह ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है, और जैसे ही भीड़ उग्र होने की कोशिश करता है उसी वक्त सीधा आप ये देख सकते हैं किस तरह से ड्रोन से आंसू गैस छोड़े जाते हैं ताकि भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की जाए, जो भीड़ बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी शंभू बॉर्डर पर। ड्रोन से वो तस्वीरें आप देख सकते हैं आपके सामने, कैसे वो ड्रोन निगरानी भी कर रही हैं और भीड़ के बीचों बीच आंसू गैस की बारिश कर रही है। आंसू गैस ऊपर से अब गिराए जा रहे हैं। अब की बार ये नया तरीका देखा गया है। 50 कंपनियां अर्धसैनिक बलों की भी वहां पर तैनात हैं अलग अलग बॉर्डर्स पर, लेकिन शंभू बॉर्डर से हरियाणा के वहां पर बैरिकेडिंग को तोड़कर, हरियाणा पुलिस के बंदोबस्त को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते वक्त ड्रोन का प्रयोग किया गया, और फिर आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ को अलग करने की कोशिश की गई और काफ़ी ज़्यादा आंसू गैस की गोलीबारी की गई है, आंसू गैस छोड़े गए हैं ताकि वहां पर जो भीड़ है वो शंभू बॉर्डर क्रॉस कर हरियाणा की तरफ से कट कर सीधा दिल्ली की तरफ कूच ना कर सके। वहीं किसानों ने भी बताया जा रहा है जेसीबी का प्रबंध किया है ताकि वो बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आगे निकलने की कोशिश कर सकें, और किसी तरह का अगर अवरोध वहां पर पैदा किया गया है, सड़क पर अगर वहां पर कीलें लगा दी गई हैं, तो जेसीबी के माध्यम से उन कीलों को तोड़कर किसान आगे निकल सकें। तो पूरी तैयारी के साथ किसान भी इस तरफ आए हुए लग रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि वो 6 महीने का राशन लेकर आए हैं, लेकिन पुलिस का कहना है, प्रशासन का ये कहना है कि वहां पर धारा 144 लगी हुई है, इस दिल्ली चलो मुहिम के लिए सपोर्ट नहीं है। अब आपको समझाते हैं कि शंभू बॉर्डर इतना अहम क्यों है। शंभू बॉर्डर पंजाब हरियाणा का बॉर्डर है, यहां से पंजाब के किसान हरियाणा में एंट्री चाहते हैं, जबकि पुलिस ने घगर नदी के पुल पर बैरिकेडिंग कर दी। पुलिस की भारी संख्या को देखते हुए किसान आगे नहीं जा पा रहे हैं, यानी इस वक्त शंभू बॉर्डर पर पुलिस और किसान आमने सामने हैं, दोनों में ठनी हुई है। कुछ ऐसे लोग भी वहां मौजूद हैं जो किसान कम और वहां पर सैनिक सेनानी बनकर ज़्यादा लग रहे हैं। कई सारे ऐसे ऐसे लोग वहां पर तत्व मिले हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके की बातें कही हैं। जब वहाँ पर उपस्थित लोकल मीडिया और जर्नलिस्ट ने उनसे कुछ प्रश्न पूछे, ये सब अब विचाराधीन है और इस पर भी गहन अध्ययन होगा कि किस तरह के तत्व हैं इन किसानों के साथ। ये तस्वीर ड्रामेटिक तस्वीर है जब वहाँ किसान और उनके साथ जुड़े हुए कुछ लोग उग्र हो गए और उन्होंने बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की। ये देखिए, बैरिकेडिंग को हटाकर, अंबाला पुलिस की बैरिकेडिंग को हटाकर उसको तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, और यही वो लम्हा था जब इस बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते वक्त जब पुलिस ने डिसाइड किया कि देखिए अब यहाँ पर आंसू गैस छोड़ने का समय आ गया है, शांति बनाकर। और ये देखिए, ये लोग, ये किसान कम और वहाँ पर देखिए सैनिक ज़्यादा लग रहे हैं, भाला तलवार लेकर के ये निहंग सामने वहाँ पहुँचे हैं। ये वहाँ पर किस तरह से पहुँचे हैं, क्यों पहुँचे हैं, डंडा है, भाला है, और क्या किसी के हाथ में तलवार है, ये भी देखने की कोशिश करेंगे। ये कौन तत्व हैं और क्यों इन्होंने अपने चेहरे छुपा रखे हैं, बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं, कुछ ने तो नहीं चेहरे अपने छुपाए लेकिन कुछ अपने चेहरे छुपाकर पहुंचे। ये देखिए, ये व्यक्ति भी जिसके पीछे भाला लगा हुआ है और डंडा लेके आगे आ रहा है, ये भी अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करता है। कुछ और हैं जो पीछे जा रहे हैं, हर कोई अपने अपने अलग अलग तरीके से वीडियो बना रहा है। ये तत्व कौन है? अंबाला पुलिस की ये बैरिकेडिंग्स हैं जिसको कि तोड़कर यहाँ इस व्यूह को भेद कर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने यहाँ सॉलिड तरीके से बैरिकेडिंग लगाई है और इस पुल के ऊपर, और वहाँ से पंजाब से चले इन किसानों को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। वहीं हरियाणा सरकार ने भी ये आरोप लगाया है, हरियाणा सरकार ने आरोप लगाया है कि पंजाब प्रशासन और पंजाब सरकार इन किसानों को बढ़ावा दे रही है, वो साथ नहीं दे रही है कि इस मार्च को दिल्ली जाने से रोका जाए, क्योंकि इसकी अनुमति नहीं दी गई है। हरियाणा सरकार का पूरा सीधा आरोप ये लगा है कि यहाँ पर राजनीति भी चल रही है।